संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की 49वीं गाथा चल रही है, जिसमें आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। अभी तक अपन ने अरस, अरूप और अगंध की चर्चा की। अब ऐसे ही छः बोल इस स्पर्श और अशब्द के भी हैं। इन सब का निष्कर्ष क्या है, इसके लिए आपके पास जो समयसार अनुशीलन का भाग है उस पर 405 पेज निकालिए, 404 पेज। रूप, रस, रूप, गंध और स्पर्श, ये चार पुद्गल के गुण हैं और शब्द पुद्गल की पर्याय है। ये पांचों इंद्रियों के विषय हैं। यहां इन पांचों के निषेध रूप पांच विशेषण आरंभ में ही लिए गए हैं। ये पूरी गाथा का में क्या कहा गया है, ये सारांश निकाल के यहाँ रखा गया है, है ना? अरस, अरूप, अगंध, स्पर्श और अशब्द, इन विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि हमारा जो इंद्रिय ज्ञान है उसका अर्थ क्या है कि हम जिस ज्ञान का इंद्रियों के माध्यम से उपयोग करते हैं वो ज्ञान, वो ज्ञान माने क्षयोपशम ज्ञान नहीं, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान तो बिना इंद्रियों के भी काम में आता है, बिना इंद्रियों के भी काम करता है। मति ज्ञान भी आत्मा का जब अनुभव करता है तो इंद्रियों से काम नहीं लेता, श्रुत ज्ञान भी इंद्रियों के माध्यम से काम नहीं करता, अवध ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान भी इंद्रियों के माध्यम से काम नहीं करते, और ये चारों ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान का अर्थ क्षयोपशम ज्ञान करना ये ज्यादा समझदारी का काम नहीं है। इंद्रिय ज्ञान हमारे काम का नहीं है, इसके आधार पर हम ये निर्णय कर लें कि क्षयोपशम ज्ञान हमारे काम का नहीं है और केवल ज्ञान अभी है नहीं, तो हमारा काम होगा कैसे? हमें काम तो इसी क्षयोपशम ज्ञान में ही होना है ना। केवल ज्ञान प्राप्ति का जो काम होना है, तो सम्मा दर्शन की प्राप्ति का जो काम होना है, वो तो इस क्षयोपशम ज्ञान में ही होना है। तो इंद्रिय ज्ञान को क्षयोपशम ज्ञान का पर्यायवाची मानने से ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि जितनी निंदा हमने इंद्रिय ज्ञान की उसी हिसाब से क्षयोपशम ज्ञान की भी निंदा शुरू कर दी। क्षयोपशम ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान है। स्वयं का स्वाध्याय कम हो और अपेक्षा के दूसरे का कुछ ज्यादा हो और उसकी वजह से उसकी कुछ महिमा बढ़ती हो, तो उसे गिराने के लिए हम उस क्षयोपशम ज्ञान की निंदा शुरू कर देते हैं। और उस वक्त ये पता नहीं चलता हमें कि ये गोली हम जिसके ऊपर दाग रहे हैं वो उस पर नहीं लग के कहाँ कहाँ जाके लगेगी, क्या वो ये भी भूल जाते हैं कि उनके पास जो ज्ञान है वो भी क्षयोपशम ही ज्ञान है। वो क्या समझते हैं, तुम्हारा तो ज्ञान क्षयोपशम है डॉक्टर साहब, और हमारा ज्ञान तो न मालूम क्या है, समझे ना? यद्यपि इंद्रिय ज्ञान भी क्षयोपशम ज्ञान है, लेकिन जिस क्षयोपशम का ज्ञान का उपयोग इंद्रियों के माध्यम से किया जाता है वो सिर्फ रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की ग्राहक होती हैं, और आत्मा में ये पांच चीजें हैं नहीं। मन इंद्रियों के विषय आत्मा में हैं नहीं,
इसलिए आत्मा इस इंद्रियों के माध्यम से किए जाने प्रयोग किए जाने वाले सूक्ष्म ज्ञान से पकड़ में नहीं आएगा, सिर्फ इतनी सी बात है। क्या क्यों तुम जी है ना, अब इसमें भी थोड़ा है ज्ञान चंद जी, इसमें भी थोड़ी और रहस्य है कि ये तो कर्ण लब्धि की बात है, देशना लब्धि में क्या होगा कि वो इंद्रियों वाला सूक्ष्म ज्ञान भी काम करेगा। प्रकाश कि गुरुदेव का प्रवचन सुनोगे ना तो कान से ही सुनोगे कि नहीं, और समय सार पढ़ोगे तो आंख से ही देख के पढ़ोगे कि नहीं, नहीं तो देशना लब्धि नहीं बनेगी। अरे भगवान की दिव्य ध्वनि भी सुनोगे तो कान ही से सुनोगे, तो उसके पहले वो इंद्रिय से प्रयोग में आने वाला सूक्ष्म ज्ञान भी पांच लब्धि को यदि तुम मुक्ति के मार्ग का मार्ग मानते हो तो उसमें उसकी भी उपयोगिता है। ख्याल में है कि नहीं? अब अभी कुछ देशना लब्धि तो प्राप्त नहीं हुई है, देशना लब्धि प्राप्त नहीं हुई है माने देशना लब्धि प्राप्त होने का अर्थ क्या है कि जो गुरु के माध्यम से समझाया गया शास्त्र में लिखा है उसका अर्थ हमारी समझ में अच्छी तरह नहीं आया जब तक, और वो हमारे विकल्प ज्ञान में बिल्कुल सही रूप में नहीं उतरा तब तक, और उतर गया उसका नाम देशना लब्धि है, बाकी तो देशना है। देशना तो होती है गुरु की तरफ से और लब्धि होती है अपनी तरफ से, तो ये पांच लब्धियां जिसे सम्मत दर्शन प्राप्त करना है उसकी तरफ से है ज्ञानचंद जी साहब, है ना? तो तुम्हें लब्ध हुआ हो तो लब्धि है, नहीं तो भगवान की दिव्य ध्वनि भी खिरती रही और केवल ही आगर रह गए कोरो, कई दफे वहां भी हम होके आ गए हैं और कोरे के कोरे रह के आ गए कि नहीं आ गए, है ना? यहां तो वो अनुभूति स्वरूप जो भगवान आत्मा है जिसके आश्रय से सम्मा दर्शन और केवल ज्ञान प्रकट होता है, वो आत्मा वो अनुभूति इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं है, बस इतनी सी बात है। सूक्ष्म ज्ञान रूप नहीं ऐसा नहीं कहते क्या? यानी सीधी सच्ची बात यह है कि अनुभूति के काल में तेरी इंद्रियां किसी काम नहीं आएंगी, इसीलिए जो हमारी ध्यान की मुद्रा है वो पांचों इंद्रियों को बंद करने की है। क्यों तुम कह रहे पांचों इंद्रियों को बंद करने की है शांति? हमें तो अगली आंखें बंद करने की बात करते हैं, आंखों के ऊपर दरवाजे हैं, फाटक लगे हुए हैं, समझ गए ना, और उन्हें बंद किया जा सकता है, इसलिए आंखें बंद करने की बात करते हैं। अब कान में ऐसे कोई दरवाजे हैं ही नहीं, नाक में ऐसा कोई दरवाजा है ही नहीं, है ना, समझ गए ना, तो उनके बंद करने की बात कैसे कहें? स्पर्श इंद्रिय में ऐसा कोई दरवाजा है ही नहीं, वो तो 24 घंटा हवा आएगी ठंडी गर्म तो लगती ही रहेगी, गंध आएगी सुगंध दुर्गंध तो आती रहेगी, क्योंकि तुम नाक बंद कर दोगे तो सांस का नहीं लोगे तो मर जाओगे, सांस तो लेना बंद किया नहीं जा सकता, और कान भी खुले ही हैं, क्या वो उसमें आता है हे कान वालो सुनो यह संदेश श्री महावीर का आता है, उसमें मूल शब्द है अमृत कुंद कुंद का सकन्ने, हे कान वालो, है ना, सकन्ने शब्द है क्या? नहीं तो अब हमने उसका अनुवाद किया है कान वालो, सकन्ने माने कान वाले ही होते होते हैं, तो ये समझने लगे कान वालो माने कानजी स्वामी वालो ये तो कान वालों को सुना रहे, हमारे लिए तो बात ही नहीं है, क्या आज पहाड़ कान कान जी वाले स्वामी वालों के लिए लिखा गया था
मेरे कहने का मतलब ये है कि धुनाई करो जितनी बने, लेकिन इतनी मत कर दो कि तुम्हारे कपड़े सब फटे ही जाएं और तुम स्वयं ही नंगे हो जाओ। क्यों? इस देशना लब्धि में हम समझ रहे हो, समझा रहे, और दोनों ही पांचों इंद्रियों का उपयोग कर रहे और इंद्रियों को गालियां दिए जा रहे। क्यों? जो फैक्ट है वो बताओ, जहां तक उसकी आवश्यकता और उपयोगिता है पांच लब्धियों में, मुक्ति के मार्ग में, मार्ग के मार्ग में, उतनी बताओ, और बाद में ये काम नहीं आएंगी। इसलिए हमारी जो ध्यान मूर्ति हमने ध्यान की मुद्रा की बनाई ना, तो क्या आंखें बंद और बाकी सब खुला? ऐसा नहीं है, आंखें भी बंद नहीं है और बाकी चार इंद्रियां भी खुली नहीं है। तो क्या है कि ना बंद है और ना खुली है। क्यों? कि बंद आंख सो जाने की निशानी है और खुली आंख दूसरों को देखने की निशानी है। आत्मा को देखना हो, एक बता रहे नाक, नाक तो नाक दर्शन होगा, आत्मा दर्शन नहीं होगा। तो सुनो, मैं कह रहा हूं ना, पूरी बात सुन लो ना, सुनो, ये बता रहे हैं, अपने शास्त्र में ही आती है, छवि बीत रागी शांत मुद्रा दृष्टि नासा पर धरे, उसका अर्थ भी करता हूं। इनको विकल्प चलता रहेगा ना तब तक। इसका क्या अर्थ है? तो नाक की नोक देखना नहीं है, तो क्या है बताता हूं धैर्य से जरा, कि ये इंद्रियां जो हैं, मैंने बोला ना, बंद आंख सो जाने की निशानी और खुली आंख दूसरों को देखने की निशानी। अब ये पांच इंद्रियों, जैसे शरीर को बंद नहीं किया जा सकता, नाक को बंद नहीं किया जा सकता, कान को, तो ये कह रहे कि हम में ऐसी ताकत है कि कान खुले रहें और हम कुछ नहीं सुने, हम में ऐसी ताकत है कि नाक खुली रहे और हम कुछ नहीं सुने, स्पर्श इंद्रिय में ऐसी ताकत है कि शरीर में ठंडी गर्म हवा लगती रहे और हम उसका ज्ञान तक नहीं करें। वो है आंख कान नाक बंद करना, बंद करने की भाषा कहो तो वे खुली है कि बंद, कि तुम ये बाहर से क्या देखते हो, आंख क्या, ना खुली है ना बंद है। क्यों? कि नासाग्र है, नासाग्र है, ऐसी है। तो क्यों है ये बता दूं, बताऊं मैं, कि जब आत्मा में जाना है तो उपयोग शरीर पे से हटेगा और शरीर में ऐसा रखो, क्या पीयूष, जैसे तू बैठा है ना, ऐसा यदि बैठे बैठे तू आत्मा में चला जाए तो पछाड़ खा के गिर जाएगा। क्यों? और पद्मासन लगा करके बैठो तो उपयोग आत्मा में चला जाए, शरीर पैसे हट जाए, तो भी तुम्हारा आसन कायम रहेगा। इसलिए हम लोगों के लिए एक पद्मासन ही वास्तव में आत्मा के ध्यान का आसन है, खड़गासन भी है, लेकिन वो तद्भव मोक्षगामियों के लिए पंडित जी। क्यों? उनके वज्र सब नाराज संजन होता है, तो उनका उपयोग शरीर पैसे हट जाए तो अभी वो वज्र जैसा खड़ा रहेगा, वो गिरेगा नहीं। हमारा तो उपयोग हटते ही गिर जाएगा, ऐसा हाथ करके हम आत्मा का ध्यान करें, हाथ पर से ध्यान हटते ही हाथ नीचे हो जाएगा। तो कैसी मुद्रा? कि दोनों पैरों को आपस में कसके बांधा हो। आलोक जी आप जैसा नहीं, बांध के बता भैया प्रकाश, हाँ बंधा ही बंध, हाँ देखो देखो, और अरे पद्मासन है, पद्मासन लगा के बताओ शांति जी, तुम पे नहीं बनेगा। हाँ ये देखो, ये बबलू बता रहा है, ये इसे बोलते हैं पद्मासन, ये इस तरह बंध जाता है, क्या कि आपका उपयोग हट जाए तो भी गिरोगे नहीं, क्योंकि घुटने से लेकर पिछले हिस्से तक पूरा जमीन को स्पर्श करना चाहिए, तो आगे को गिरोगे तो घुटना रोक लेगा, पीछे को गिरोगे तो जो बंधा है ना,
वो रोक लेंगे, अगल बगल को तो गिर ही नहीं सकते। इसलिए एक पद्मासन बताया है। अब पांच इंद्रियों का क्या करना, कि कुछ नहीं करना, क्योंकि अब शरीर का तो तुम कैसे कर ही नहीं सकते। अब ठंडी गर्म हवा तो हमारे हाथ में नहीं है, अब तो हवा के हाथ में है। नाक में भी जाएगी हवा, कान में आवाजें जाएंगी, कहाँ कहाँ रोकोगे, कितने कितने रोकोगे बोलो है? तो कहते हो कि सामने से बारात निकल जाए और तुम्हें सुनाई नहीं दे, ऐसा करो, और वो तब होगा जब तुम आत्मा में तुम्हारा उपयोग गया होगा। अरे और विषय कसाय में भी जाता है तब भी ऐसा हो जाता है, कोई गजब की बात नहीं है जी, कोई ऐसी नई बात नहीं है। किसी हम दूसरे विषय का चिंतन कर रहे हो तो पता नहीं लगता है। तो पांचों इंद्रियों पे से अपने उपयोग को हटा लो और फिर वो इंद्रियों की जो हालत हो तो रहने दो। तो अब कान तो ऐसे ही रहेंगे, नाक तो ऐसे ही रहेगी, शरीर तो ऐसे ही रहेगा, अब रह गया केवल आँख का, कि आँख कैसी रहेगी। तो आँख को भी बिल्कुल खुली छोड़ दो विनोद भाई, ना बंद करो ना खोलो। अब वो जैसी रह जाए उसका नाम है नासाग्र दृष्टि, वैसी ही रहेगी। आधी खुली, अध खुली बोलते हैं दिगंबरों मूर्तियों की जो होती है वो आधी खुली दृष्टि होती है ना, ना वो बंद है और ना वो खुली है। हमने उसे काम लेना बंद कर दिया, हमने उसे ऑर्डर देना बंद किया, तुम खोलोगे बंद करो, अब छोड़ दिया, सब पैसे उपयोग हटा लिया, ख्याल में आई ना। तब वो आत्मा ज्ञान का गेय बनेगा। जब तक इंद्रियों का प्रयोग हम करते रहेंगे तब तक कोई ना कोई पर पदार्थ नहीं, पुद्गल, मात्र पुद्गल ही उसके ज्ञान का गेय बनेगा। ये समय सार भाग्य से पुद्गल की रचना है ना। सब वो आता रोडमल जी ने लिखा ना, कागज मसी अक्षर आकार और लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। सम्य ज्ञान चंद्रिका की भूमिका में लिखा गया प्रशस्ति में कि ये सम्य ज्ञान चंद्रिका किसने बनाई, क्यों कि कागज मसी अक्षर आकार, कागज पर मसी माने स्याही अक्षरों के आकार में फैल गई और सेब गोमर साल लिखा गया। ठीक है, मैंने क्या कह रही, कागज मसी अक्षर आकार और लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। क्यों बचना दिक लिखना दिक क्रिया बरना दिक और इंद्रिय हिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल और इनसो ना ही हमारो मेल। फिर तुम्हें बदनाम लोग क्यों करते हैं, क्या क्या बदनाम करते हैं कि तुमने सम्यक ज्ञान चंद्रिका बनाई, ये बदनामी। तो वो कहते हैं कि भाई साहब मुफ्त में नहीं करते, ज्ञान राग तो मेरो मिलो और लिखनो पढ़नो तनु को भिलो। भाई वाह, इसमें ज्ञान मेरा उपयोग लगा था और मेरा राग भी था इसको लिखने का, और जो हाथ से ऐसे लिखना हुआ ना ऐसा ऐसा ऐसा, ये तो तनु की शरीर की क्रिया थी, ये तनु को है? और ऐसे में वह स्याही कागज पर अक्षरों के आकार में फैलती गई। कितने हिस्सेदार हैं क्या, और उसने एक गोमर सार की टीका लिख दी है? समझ गए ना, वो उनने बुद्धि पूर्वक उपयोग पूर्वक लिखी थी, जैसे हम तुम लिखते हैं वैसे ही, कोई अलग तरीका नहीं था वो, फिर भी उन्होंने उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। क्या ख्याल में आया ना, और अपना कर्तृत्व, मेरा इसमें कोई भी कर्तृत्व नहीं है, ख्याल में है ना। हम लोग कहने लगे मैंने बनाई मैंने बनाई मैंने बनाई मैंने बनाई, अब क्या करूं मैं। इसलिए यहां कहते हैं कि भाई वो देशना लब्धि आंखों से तुम पढ़ोगे, वो इंद्रिय ज्ञान है, तो देशना लब्धि का काम संपन्न है वो इसमें ही होगा। घबराना नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूं, वो कोई साधारण काम नहीं है ज्ञानचंद जी साहब, इतना एक्यूरेट निर्णय होना चाहिए देशना लब्धि में कि केवल ज्ञान में जो झलके और इसमें कोई अंतर नहीं हो।
बाद में जब तुम्हारी आत्मा की अनुभूति में आत्मा आए तो तुमने जैसे पहले उस विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय किया था वो वैसे ही आत्मा निकले, ऐसा निर्णय होगा तो तुम जाके आत्मा प्रायोगिक लब्धि में घुस पाओगे। करण लब्धि तो बहुत दूर की बात है, आत्मानुभव तो बहुत दूर की बात है। जब तक उसमें जरा भी गड़बड़ी रह गई तो क्या गड़बड़ी हो जाएगी, अपना अंश पर में ना मिला देना, पर का अपने में नहीं मिला देना। अब वो क्या बहुत विस्तार है उसकी जान में नहीं जाऊंगा। इतना पक्का निर्णय होना चाहिए। एक देखो मैं आपको उदाहरण देता हूं तो समझ में आएगा कि जब मैं यहां जयपुर नहीं आया था तो पंडित फूलचंद जी ने खानियां चर्चा यहां से प्रकाशित की थी और उसमें स्टोडामल स्मारक भवन का वर्णन लिखा था। इतना बड़ा हॉल है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा, उसके बगल में 16 कमरे हैं, फिर ऊपर 16 कमरे हैं, ऐसा वर्णन लिखे, पीछे एक दालान है, ऐसा करके लिखा था। तो मेरे दिमाग में जो चित्र बना था उससे पढ़कर जब मैंने यहाँ आके देखा तो वो कुछ नहीं निकला, बिल्कुल सब उल्टा ही निकला। मैं तो समझा था कि बीच में हॉल होगा, फिर गली रास्ता होगा, फिर बाहर चारों तरफ कमरे बने होंगे, जैसे दुनिया में बनते हैं ना बीच में हर जगह। ये तो इससे चिपते ही हुए कमरे बने हैं, इस दीवार में ही चिपते हैं, ऊपर नीचे बने हैं। मैं उसके जो लेखन से पढ़ने से जो मैंने समझा था वो मैंने ये बात मेरे चित्र मेरे ख्याल में नहीं आई थी। अब ऐसा यहाँ नहीं हो गया आत्मा कछु और हो, तुमने जो पढ़कर समझा है वो तुम्हें कछु और दिख रहा हो तो वो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। समझे ना, समय शिखर जाने का तुमने निर्णय किया, आज तक समय शिखर गए नहीं हो, तो समय शिखर के बारे में जो किताबें हैं वो तुमने पढ़ी, वो जो जाके आए उनसे खूब मौके सुना और उससे तुम्हारे दिमाग में एक चित्र खड़ा हुआ। वो चित्र ऐसा होना चाहिए कि जब तुम समय शिखर जाओ तो ऐसा, हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही समझा था, जैसा बताया था समझा था वैसा ही निकला। एक जगह भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि ऐसा समझा था और ऐसा निकला। यदि होगा तो समझ लो काम खत्म। आत्मा का स्वरूप देशना लब्धि में शास्त्रों से पढ़कर गुरु के मुख से सुनकर एकदम सही और एकदम स्पष्ट होना चाहिए। है तो परोक्ष ही, ख्याल में आई ना, फिर भी उसमें जितनी अधिक स्पष्टता हो सकती है उतनी अधिक स्पष्टता होना चाहिए, तब वो प्रायोगिक लब्धि माने योग्यता का विशेष परिपाक होगा, उसमें से कैन लब्धि आएगी और उसमें से सम्मत दर्शन माने आत्मानुभूति आएगी। तो ये आला स्वरूप आत्मा को अपन समझा रहे, तो पहले एक आता ना कि भाई अब उस अनुभूति के समय की बात चल रही, तो वो ये कहते उस समय तुम्हारी ये 5 इंद्रियों से जो तुम्हें मति ज्ञान का प्रयोग करते हो, क्षोभ संज्ञान का नहीं, काय का, क्यों कि श्रुत ज्ञान भी तो क्षोभ संज्ञान है, वो इंद्रियां तो सिर्फ मति ज्ञान में निमित्त होती हैं और श्रुत ज्ञान में अकेला मन निमित्त होता है, श्रुतम मन इंद्रियस है, मति ज्ञान में मन नहीं होता, ख्याल में है ना। तो वो ये कहते हैं कि जो तूने इंद्रिय ज्ञान में माने पढ़कर सुनकर सोचकर समझकर जो चिंतन सब आ गया उसमें, बांचना प्रेक्षणा अनुप्रेक्षा ये सब आ गया, आमनाय धर्मोपदेश ये सब पहले की चीजें हैं, और उससे जो तूने वस्तु के आत्मा भगवान आत्मा का निर्णय किया, अब तो उसे देखना है कि मैं तो प्रयोग करके देखूंगा। तो अब ये 5 इंद्रियां जो अभी तक बिल्कुल बहुत बहुत काम की थी, अब ये बिल्कुल काम मत लेना इनसे, बिल्कुल काम की नहीं रही, सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं। देखो पढ़ते हैं, रस रूप स्पर्श और गंध ये 4 पुद्गल के गुण हैं और शब्द पुद्गल की पर्याय है। ये 5 इंद्रियों के विषय हैं। यहाँ इन 5 के निषेध रूप 5 विशेषण आरंभ में लिए गए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि परमार्थ जीव इंद्रियों का विषय नहीं है, अतः इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। ये परमार्थ जीव क्या होता है? परम
माने परम शुद्ध निश्चय नय, और अर्थ माने उसका विषयभूत पदार्थ। परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत पदार्थ को बोलते परमार्थ, परम अर्थ। क्या परम माने? परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय। नय नहीं, द्रव्यार्थिक पदार्थिक नयों में लेना है तो परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय लेना, और निश्चय व्यवहार में लेना है तो परम शुद्ध निश्चय नय लेना। इनका विषयभूत जो अर्थ है उसको बोलते परमार्थ। एक भजन आता है ना दौलत राम जी का, आज मैंने परम पदार्थ पायो, आज मैंने परम पदार्थ पायो। क्या तो परम पदार्थ माने वो शुद्धात्मा, परमार्थ। उस परम अर्थ में को सीधा ग्रहण करना हो ज्ञान में तो ये इंद्रियां काम नहीं आएंगी। जिन लोगों ने ये मान लिया है कि मति ज्ञान तो उसे ही कहते हैं जो इंद्रियों और मन के निमित्त से हो, तो बस समझ लो कि वो उनका भव तो गया मुफ्त में। क्यों? कि वो समझेंगे इंद्रियां बंद करी तो मति ज्ञान ही गया, अब और दूसरा ज्ञान है नहीं, मैं शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान मन पर अब है नहीं, अब आत्मा कैसे पकड़ में आएगा? कि वो कौन है, कि होगा कहीं? अरे ऐसा नहीं, मैंने कहा था ना आंखें गई तो सब कुछ गया, मानता ना आंखें गई तो सब कुछ गया, आंखें गई तो 20% काम हो गया। क्या कह रहे, समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? क्योंकि आत्मा में जाना था तो आंखों से काम लेना बंद करना था, और बेकाम करती रहती, और हम बंद काम बंद करते तो थोड़ी दिक्कत होती। अब उनने ही काम करना बंद कर दिया तो 20% तो समस्या हल हो गई ना। अब आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, खोलने की जरूरत नहीं, कितनी रखना नासाग्र रखना वो झगड़ा खत्म ही। ये नासाग्र दृष्टि वाले जो आत्मा का ध्यान करते हैं, अंधों को तो आत्मा का अनुभव हो ही नहीं पाएगा उनके हिसाब से, क्योंकि उनकी दृष्टि नागमा की नोक को देखेगी नहीं। देखो भैया, मैं किसी की कुछ नहीं कहता हूं, मेरी कुछ टोन ऐसी है, समझ रहे वास्तव में मुझे किसी का विरोध बिलंच मात्र भी इष्ट नहीं है, सब आत्मार्थी हैं। एक अरबों लोग हैं इस दुनिया में, उनमें ये आत्मा की चर्चा करने वाले कितने हैं? बोलो, आत्मा की बात वो गलती है कि सही है उससे दूर जाने दो। टोडर मल जी ने तो लिखा है कि आत्मा की जो बात भी करते हैं वे धन्य, बात भी सुनते हैं वे धन्य हैं। क्यों? उन्हें भी पकड़ी के नहीं पकड़ी उस चक्कर में हम कहां पड़े? हमारे तो श्रोता सब बे ही हैं, बे थोड़ी हैं ये आत्मा फात्मा के जो विरोधी हैं, जो आत्मा के साथ फात्मा को जोड़ते हैं। क्यों? अब उन्हें समझी कि नहीं समझी, कि कर रहे कि नहीं कर रहे, उसे क्या फर्क पड़ता है? मैं एक उदाहरण देता हूं बहुत अच्छा, कि ये जो मेडिकल कॉलेज वाले हैं और हाई स्कूल है और इंटर कॉलेज में होते हैं ना, जहाँ 12वीं क्लास तक पढ़ाते हैं, जो ये स्कूल हैं, तो ये मेडिकल कॉलेज के विरोधी हैं कि सहयोगी हैं? क्यों बोलो? वही देते हैं, वे नहीं होते, इनमें नहीं लड़का पढ़ता तो तुम मेडिकल कॉलेज में अपने डॉक्टर ही पढ़ा सकते थे किसी को। बोलो, ये तुम्हारे सबसे बड़े सहयोगी हैं, और तुम उन्हें हे कहते हो, शर्म नहीं आती है कि भैया हम उन्हें बहुत उपयोगी समझते हैं, और हे कहते शर्म भी आती है, लेकिन क्या करें, जब तक वे स्कूल छोड़ के नहीं आएंगे तो हम पढ़ाएंगे कैसे? तो छोड़ के आओ ये भी कहेंगे, समझ गए ना, लेकिन उससे भी नहीं। ऐसे जो गांव गांव में पाठशालाएं ले रहे, गांव गांव में विद्वान प्रवचन कर रहे, जो जहां रह रहा है, क्यों हरेक को रोजाना गंगा नहाने को नहीं मिलती है, अपने मोहल्ले का कुएं से ही अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। क्यों?
और वो लोग तो हमारे लिए श्रोता तैयार करते हैं, क्यों? वो जो वहां चर्चा करते हैं और जिससे आपको थोड़ा अभ्यास होता है कि हम इतनी बात आपके सामने कह सकते हैं, नहीं ABCD पढ़ानी पड़े, वे हमारे परम सहयोगी हैं। उतना ज्ञान नहीं होगा तो हम नहीं समझा सकते। ऐसी इंद्रियां भी एक दृष्टि से देखो, घबराना नहीं कि इतना करके आया तब तो हमको ये मिला कि इनका हम निषेध करें, क्यों? इंद्रिय ज्ञान से वो इतना समझ के आया तब कहा कि अनुभव करना है तो इंद्रियों को छोड़ो। हमने ये चौथा प्रशिक्षण शिविर आगरा में लगाया था, पहला जयपुर में, दूसरा विदिशा में, पहला तीसरा फिर जयपुर में, चौथा फिर विदिशा में और पांचवा आगरा में। तो उस वक्त पद्मचंद जी ने और पाटनी जी ने गांव-गांव में जाके गाड़ी ले जा करके लोगों को प्रेरणा दी कि तुम प्रशिक्षण शिविर में आओ और वहां पर भर्ती हो। गाड़ी लेके 15 दिन तक घूमे एक एक गाँव में, सबको निमंत्रण दे दे के आए और किताबें बांट के आए, बाल बोध पाठमाला मगरे, आपको मालूम होगा ना, आपके गांव में भी गए थे ना, के पढ़ के आना, एक दिन पहले आ जाना, वहाँ परीक्षा होगी। अभी इतनी भीड़ आ गई कि उतने लोगों को ना क्लास में बैठने की जगह ही नहीं थी, तो हमने सबके ओपन लेते ही हैं ना, वो पहले दिन परीक्षा लेते हैं, फिर 60% नंबर से पास हो गए, फिर इंटरव्यू लेते हैं, तब भर्ती करते हैं। तो हमने कड़काई से वहाँ भर्ती शुरू करने के रिजेक्ट करना शुरू किया कि तुम नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं। तो वो बोले कि हमें तो मना मना के लाए हम बिना निमंत्रण के नहीं आए हैं, हमें तुम्हारी किताबें दी गई और मना मना के लाए हैं और तुम हमें रिजेक्ट कर रहे हो, हम तो समझते हमें मालाएं पड़ेंगी, स्वागत होगा क्यों, और तुम हमें रिजेक्ट कर रहे हो। तो मैंने उस दिन के व्याख्यान में जो बात कही थी वो आज मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। वो पांचवा प्रशिक्षण शिविर सन 73 में होगा, 72, 73 में, ख्याल में आई ना। तो मैंने कहा था भैया कि जब अंग्रेजों को बहुत सैनिकों की जरूरत पड़ी और कोई सेना में जाना नहीं चाहता था, तो हिंदुस्तान के गांव गांव में से पकड़ पकड़ के रंगरूठ लाए कि हर एक को अपन को एक बच्चा देना पड़ेगा सेना के देने के लिए। मुझे याद है हम 5-7-6 वर्ष के होंगे कि जब कोई पुलिस वाला आता था तो सारे नवयुवक जंगल में भाग जाते थे और किवाड़ों में बंद करके छिप छिप करके रह जाते थे, क्योंकि उनने पकड़ लिया उसे पकड़ के ले जाएंगे, ऐसा ही करते थे। जो दिख गया 20-25 वर्ष का छोकरा पकड़ के ले गए, चल बैठती क्या। और वहाँ क्या होता था कि एक ये नियम है कि किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जाए। अब राजी से तो कोई आता नहीं और जबरदस्ती की नहीं जाए तो क्या करें। तो अंग्रेज लोग कानून के तो बहुत पक्के थे, तो मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करते कि वो कहता मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से मुझसे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई है, ऐसा वो बयान देता, मजिस्ट्रेट लिखता, फिर उसे भर्ती करते। भर्ती करने के लिए फिर सैनिक अधिकारी के पास इंटरव्यू लेने जाते, समझना सच्ची घटना है। तो वो वहाँ जाकर कह देता कि भैया ये तो पुलिस मार मार के मेरे को लाई है, मुझे भर्ती नहीं जाना, बुझानते सेना में जाना मैंने मरना, सीधा बॉर्डर पर जाएंगे और मर जाएंगे। यद्यपि ऐसी बात सत्य नहीं थी, जो टेंड सैनिक थे उन्हें बॉर्डर पर भेजना था तो जो लोकल की व्यवस्था के लिए करना पड़ता ना, शांति व्यवस्था के लिए, उन्हें उन्हीं में काम लिया जाता था, बॉर्डर पर नहीं जाना था, लेकिन सेना में भर्ती होने का मतलब तो यही था ना। तो वहाँ जाके साहब मुझे मार मार के इनने यहाँ कराई है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अब मुझे फिर क्या करें, तो कहता इनको जाओ और समझाओ और पुलिस जाकर के फिर पिटाई करती कि जाके वहां कहेगा कि नहीं कहेगा, नहीं हाथ पैर तोड़ देंगे हम, फिर जाके कह दूंगा। वहां जाता फिर जानता कि मरने को जाने की बात है, तो फिर कहता साहब ने बहुत पीटा, मैं तो नहीं जाना चाहता, तो कह जरा और समझाओ समझाओ का अर्थ समझ गए फिर वो कह देता अंत में, फिर कह जाता, फिर लाइन लगती कहाँ उस मिलिट्री ऑफिसर के पास में, तो नापता लंबाई चौड़ाई सीना इतना ये, और बस
दस में से एक को लेता, नौ को रिजेक्ट। क्योंकि हमें तो मार मार के ला जबरदस्ती हाँ कह लो आई, और तुम रिजेक्ट करते हो तो वो कहते हमें हिजड़ों की पहुंच थोड़ी बनानी है, हमें तो युद्ध में लड़ने के लिए मजबूत शरीर वाले लोग चाहिए। समझ गया ना? तो उनका काम लाना है पुलिस का, समझे ना, और हमारा काम रिजेक्ट करना है। मैंने कहा पाटनी जी का, पद्मचंद जी का काम लाना था और हमारा काम रिजेक्ट करना है। किस तरह काम किया है हमने शुरू शुरू में, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब तो हमारी फौज खड़ी है, क्यों 500 विद्यार्थियों की है? तो ये कह रहे हैं कि वो जो हम जो पहले की भूमिका है वो योग्यता की, जो देशनालब्धि की, वो आँख कान नाक के माध्यम से हुई है भाई साहब। लेकिन यहां आकर के हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं तो हे तो समझ नहीं, क्योंकि यहां जरा भी वो खड़ा रखा तुमने तो आत्मा में नहीं जा पाओगे। बिल्कुल दृढ़ता से निषेध करेंगे, लेकिन वो पहले की भूमिका ऐसा नहीं कर लेंगे, तुम पहले ही निषेध कर लो और वो जो काम होके आना है वो ही नहीं होगा। ख्याल में है ना? वो काम करके फिर बाद में आत्मा में जाने के लिए उसका निषेध है। पर इतनी बता रहा है कि अनुभव के काल में तो पांच इंद्रियां और एक काम नहीं आएंगी। इतनी सी बात बताने के लिए ये बताया है कि आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, अस्पर्श है और अशब्द है। अब इसमें थोड़ी सी बात यह है कि चार में तो एक से ही चल गया। कौन से चार में? अरस, अरूप, अगंध में। पहला बोल क्या था? आत्मा पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, इसलिए आत्मा रस रूप नहीं है, रूप रूप नहीं है, गंध रूप नहीं है, स्पर्श रूप नहीं है। ये चारों का एक साथ बोल रहा हूं। आत्मा पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न है, इसलिए आत्मा रस गुण रूप नहीं है, रूप गुण रूप नहीं है, गंध गुण रूप नहीं है, स्पर्श गुण रूप नहीं है। आत्मा पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं है, और चूंकि द्रव्य इंद्रियां पुद्गल द्रव्य की बनी हुई हैं, इसलिए इंद्रियों के माध्यम से भी ना चखता है, ना देखता है, ना स्पर्श करता है, ना सूंघता है। इसलिए ये अरस है, अरूप है, अगंध है, स्पर्श है, ठीक है। और आत्मा छयोपशम इंद्रिय रूप भी नहीं है, दृष्टि बदलते जाना, वहाँ स्वभाव, यहाँ स्वभाव की दृष्टि और वहाँ परमार्थ से, ख्याल में है ना। ये इसलिए छयोपशम ज्ञान रूप भी नहीं है, इसलिए वो अरस है, अरूप है, अगंध है, स्पर्श है। फिर सबको एक साथ संवेदन करता है, किसी को स्पेशल नहीं करता, रूप को स्पेशल नहीं जानता, रस को स्पेशल नहीं जानता, सबको जानता है, इसलिए अरस है, अरूप है, अगंध है। और कि जानता तो है, जानने रूप तो परिणमित होता है, लेकिन उन रूप परिणमित नहीं होता है। तो इस तरह से उनने वो छह बोल निपटा दिए, चार के याद हो गए कि नहीं हो गए। अब एक अशब्द में थोड़ा फर्क है, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुद्गल की पर्याय है, बाकी तो चार पुद्गल के गुण थे। तो पहले बोल में तो कोई फर्क नहीं है, दूसरे में जो कहा पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न, तो पुद्गल द्रव्य की पर्यायों से भिन्न है, इतना करना पड़ेगा, बस खत्म, और ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाना जितना है क्या करोगे और कहाँ लगाओगे, समझ गया ना। तो ये पांच बोल निबट रहे हैं। देखो इससे यह संकेत मिलता है कि आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि परमार्थ जीव इंद्रियों का विषय नहीं है, अतः इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। नहीं जाना जा सकता माने अनुभव नहीं किया जा सकता, उद्देश्य नलब्धि रूप जाना जा सकता, वो नहीं लेना है यहाँ, समझ गया। अब विशेषकर अशब्द विशेषण से यह संकेत मिलता है
क्योंकि पुद्गल के चार गुणों की बात तो ठीक, परंतु पर्याय में पुद्गल की शब्द पर्याय को ही यहाँ लिया गया है, रूप रस आदि गुणों की पर्यायों को भी नहीं लिया गया है। काय की पर्याय को लिया गया है, शब्द पर्याय को। शब्द पर्याय कौन से गुण की है? वैशेषिक तो मानते हैं कि आकाश का गुण है शब्द, शब्द गुण कम आकाशम। कौन से गुण की पर्याय है? ये स्पर्श गुण की पर्याय है। देखो अब इस हाथ में इस हाथ को छुआ तो शब्द निकला ना, तो पुद्गल पुद्गल से टकराया तो शब्द निकलता है, आत्मा आत्मा से टकराया तो शब्द नहीं निकलता, अमूर्तिक पदार्थ आपस में टकराया तो शब्द नहीं निकलता, मूर्तिक पदार्थ आप आकस में टकरा, मूर्तिक पदार्थ है पुद्गल, तो पुद्गल की तो है ही, उसके टकरा मैंने छुआ तो स्पर्श गुण की पर्याय है ना। स्पर्श में भी ठंडे गर्म की नहीं, हल्के भारी की नहीं, एक रूखा चिकना हो ये कौन कौन सा है, कड़ा नरम, तो एक कड़ा नरम और रूखा चिकना इनमें से है, ख्याल में ना। तो कहते इतना अंतर डाल देना बस खत्म, तुम्हारा काम हो जाएगा। आत्मख्याति टीका में अरस आदि पांच विशेषणों के छह छह अर्थ किए गए हैं, जो लगभग सभी एक से ही हैं। अरस अरूप अगंध और स्पर्श के अर्थ तो एकदम एक से ही हैं, अशब्द में थोड़ा सा अंतर पड़ता है, अतः यहाँ अरस अरूप अगंध स्पर्श इन चार विशेषणों से विभिन्न अर्थों का एक साथ मिलाकर विचार किया जा सकता है। देखो अभी जो मैंने आपको समझाया है ना, उसको मैंने सुंदर भाषा में बांध दिया है, जिससे कि आपको घर में जाओ तो ये जैसे मैंने बोली तो भूल जाओगे, अभी बोली ना तो इसे पढ़ लेना कितना साफ लिखा है। अर्थ आदि चार विशेषणों में प्रथम अर्थ में यह कहा गया है कि पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण आत्मा में पुद्गल के रस रूप गंध स्पर्श गुण भी नहीं हैं, अतः आत्मा अरस है अरूप है अगंध है और स्पर्श है। माने वो चार तरह से अलग अलग बोला था, उन्हें इकट्ठा बोला जा सकता है, एक साथ निमट सकते हैं चारों, वहाँ आठ लेन लगी बारह लेन लगी और यहाँ चार लेन में चारों विशेषण आ गए और पूरी बात आ गई। दूसरे अर्थ में यह कहा गया था कि पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण आत्मा स्वयं भी रसगुण रूप नहीं है, रूप गुण रूप नहीं है, गंध गुण रूप नहीं है, स्पर्श गुण रूप नहीं है, अतः आत्मा अरस है अरूप है अगंध है और स्पर्श है। ठीक है, पहले अर्थ में आत्मा को पुद्गल द्रव्य से भिन्न बताया गया है, वो सब जिसे आपको भेद ख्याल में आ जाए फिर कभी नहीं भूलोगे, और दूसरे अर्थ में रूप रस और आदि गुणों से भिन्न बताया गया है, पहले में द्रव्य से भिन्न, दूसरे में गुणों से भिन्न, और अब तीसरे में पुद्गल द्रव्य के द्रव्य इंद्रिय रूप पर्याय से भिन्नता की बात करते हुए पुद्गल के स्वामित्व का निषेध करते हैं। पहले एकत्व का निषेध किया, क्या कहा था ना, इन रूप नहीं है, पुद्गल द्रव्य रूप नहीं है, पुद्गल द्रव्य के गुण रूप नहीं है, तो एकत्व का निषेध हुआ। अब स्वामित्व का निषेध करते हैं, भिन्नता बताने के लिए स्वामित्व का निषेध करते हैं। पहले और दूसरे अर्थ में पुद्गल के एकत्व का निषेध किया गया था और अब तीसरे अर्थ में पुद्गल के स्वामित्व का निषेध करते हैं, क्योंकि पर पुद्गल में ममत्व बुद्धि भी एकत्व बुद्धि के समान ही मिथ्यात्व है। क्या कह रहे, चाहे ये कहो ये मैं हूँ और चाहे ये कहो ये मेरा है, मिथ्यात्व दोनों हैं। लोक में थोड़ा अर्थ होगा इसमें फर्क, लेकिन अध्यात्म में इनमें कोई फर्क नहीं है, चाहे तुम ऐसा कहोगे स्त्री मैं हूँ और चाहे ऐसा कहोगे स्त्री मेरी है, दोनों का एक ही अर्थ है अध्यात्म में, क्योंकि मिथ्यात्व है दोनों, चाहे एकत्व कहो चाहे स्वामित्व कहो। आप कह सकते हो डॉक्टर साहब कि यदि हमने ये कहा कि ये मेरा है तो उसमें तो स्पष्ट हो गया कि मैं नहीं हूँ, तो एकत्व का तो निषेध हो गया, लोक में तो ऐसा ही लगता है क्या नहीं, कि जब मैंने कहा ये किताब मेरी है तो एकत्व का निषेध हो गया इसमें, यानी मैं नहीं हूँ। वो कहते चाहे तुम मेरी कहो चाहे मैं कहूँ,
हम अध्यात्म में दोनों का एक ही अर्थ लेते हैं, समझ गया ना? हम अलग अलग नहीं गिनते हैं। कैसा ऐसा कैसे होता है तुम्हारे गिनने से हो जाएगा? अरे हर जगह होता है, इनकम टैक्स में नहीं होता है क्यों? क्या हम और हमारा भाई एक ही है, एक साथ ही है? नहीं नहीं, यहाँ तो फाइलें अलग अलग हैं, हम तो बिल्कुल अलग अलग मानेंगे। क्यों मानते कि नहीं मानते कि भाई भाई तो अलग हो ही जाते हैं, जब पति पत्नी की दो फाइलें हों तो वो भी अलग अलग हैं। अब इनकम टैक्स वालों ने सबको अलग कर दिया, और फिर वो हमारी दुकान है वह भी अलग है। क्यों उस पर टैक्स अलग, डॉक्टर आर के जैन पर 30% अलग, और आर के जैन की दुकान पर 35% अलग, और आर के जैन की पत्नी पर 30% अलग, तो कितने परसेंट हो गया भैया टैक्स दे देते दे दे? हैं थोड़ा थोड़ा हमें भी देना पड़ेगा, सब वहीं वहीं लोग। तो इनकम टैक्स में आप ऐतराज नहीं करते हो कि हमको सब अलग अलग क्यों कह रहे? अरे तुमसे तलाक थोड़ी दिला रहे, घबराओ मत, हमारे तो फाइलिंग नहीं जाती है। जैसे समझो ना, जैसे लोकसभा में कहते हैं यहां तो मुड्डी की नहीं जाती है, हाथ गिनाया जाता है। एक महामूर्ख भी बैठा हो बिना पढ़ा लिखा सांसद, और एक बहुत बड़ा बुद्धिमान सांसद बैठा हो विशेषज्ञ अर्थशास्त्र का, लेकिन वहां तो दोनों का दो वोट किसी को नहीं होते, सबका एक हाथ गिना जाएगा, झगड़ा खत्म। वहां हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते, उसका भी एक वोट, हमारा भी एक वोट, प्रधानमंत्री का भी एक वोट, और दूसरे साधारण सांसद का भी एक वोट होता है। नहीं ऐसा यहां भी समझ लो थोड़ा क्या है। हाँ देखो, पहले अर्थ में आत्मा को पुद्गल द्रव्य से भिन्न बताया गया है, और दूसरे अर्थ में उसके रूप रस आदि गुणों से भिन्न बताया गया है। अब तीसरे अर्थ में पुद्गल द्रव्य की द्रव्य इंद्रिय रूप पर्याय से भिन्नता की बात करते हुए, द्रव्य इंद्रिय से भिन्न बताना है, पुद्गल द्रव्य के स्वामित्व का निषेध किया गया है। पहले दूसरे अर्थ में पुद्गल से एकत्व का निषेध किया गया था, और तीसरे में पुद्गल से स्वामित्व का निषेध करते हैं, क्योंकि पर पुद्गल में ममत्व बुद्धि एकत्व बुद्धि के समान ही मिथ्यात्व है। ठीक है, यही कारण है कि तीसरे अर्थ में कहते हैं कि परमार्थ से आत्मा पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं है। अब वो यहां फिर परमार्थ से आ गया, परमार्थ से माने परम शुद्ध निश्चय नय से, परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय से, है ना? इसलिए वह द्रव्यंद्रियों के माध्यम से रस नहीं चखता, रूप नहीं चखता, गंध को नहीं सूंघता, और स्पर्श को नहीं छूता, अतः अरस है, अरूप है, अगंध है और अस्पर्श है। ये सब कंक्लूजन निकाल के रखा है, समझे ना संक्षेप में। यह तो पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि एकत्व बुद्धि को अहम बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि को ममत्व बुद्धि भी कहते हैं, तथा पूर्व रंग और जीवाजीवाधिकार का मुख्य प्रयोजन पुद्गलमय शरीर आदि पर पदार्थों से एकत्व ममत्व छुड़ाना रहा है, क्योंकि पर का कर्तृत्व और भोक्तृत्व तो आगे चलकर कर्ता कर्म अधिकार में छुड़ाएंगे। उक्त तीन अर्थों में, तीन अर्थ है ना, कौन कौन से? छह छह है ना, उसमें तीन हो गए। उक्त तीन अर्थों में मुख्य रूप से पांच इंद्रिय रूप शरीर से, अब पांच इंद्रिय माने शरीर, अब एक एक नाम ले लो, क्योंकि पांच इस शरीर के अलावा पांच इंद्रियां क्या हैं बोलो, अथवा पुद्गल द्रव्य के द्रव्य गुण और पर्याय से एकत्व ममत्व छुड़ाया गया है। शरीर से एकत्व ममत्व छुड़ाया गया है, पुद्गल द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय से एकत्व ममत्व छुड़ाया गया। द्रव्य से तो पहले बोल में आ गया, और गुण से दूसरे बोल में आ गया, और शब्द की अपेक्षा पर्याय से तीसरे बोल में, पर शब्द वाले में आ गया, ख्याल में आ गया ना। अब चौथे अर्थ में भगवान आत्मा को क्षयोपशम भाव रूप भावेंद्रिय से भी भिन्न बताना चाहते हैं। अब इसमें राग की मुख्यता नहीं ली, ज्ञान की मुख्यता ली। क्यों जी, भावेंद्रिय किसे कहते हैं जानते हैं? वास्तव में भावेंद्रिय में राग भी शामिल है और क्षयोपशम ज्ञान भी शामिल है, क्योंकि क्षयोपशम से होता है ना वो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से,
तो वो भी शामिल है। और उसको राग होता है ना, जैसे दूसरे को देखने का राग हुआ, तो भाविंद्री शब्द में से भोग पक्ष लिया, वहाँ कर्तृत्व तो पक्ष लिया था, भोग पक्ष, ख्याल में है ना, भाविंद्रियों से भी भिन्न है। कहाँ गया, स्वभाव दृष्टि से, इसलिए वह भाविंद्री के माध्यम से रस को नहीं चखता, रूप को नहीं देखता, गंध को नहीं सूंघता और स्पर्श को नहीं छूता, अतः अरस है, अरूप है, अगंध है, अस्पर्श है। इस चौथे अर्थ में क्षयोपशम भाव रूप भावेंद्रियों से भी एकत्व मत छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि इनके भी कर्तृत्व भोक्तृत्व को कर्ता कर्म अधिकार में छुड़ाएंगे। यह चौथा अर्थ तीन अर्थों से अधिक सूक्ष्म है, क्योंकि इसमें अपनी ही विकारी पर्यायों को रसादि रूप कहकर उनसे भिन्नता बताई गई है। इस अर्थ के संबंध में स्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव का कोटेशन है, यह चतुर्थ बोल तीसरे बोल से अधिक सूक्ष्म है। अपने स्वभाव की दृष्टि से अर्थात त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक भाव की दृष्टि से देखें तो आत्मा क्षयोपशम भाव, आत्मा में क्षयोपशम भाव का भी अभाव है। एक गुरुदेव का कोटेशन दिए हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो उसकी प्रमाणिकता के लिए, तो इन प्रमाणिकता के लिए जिनको जरा शंका हो वो घर पे पढ़ लेना, क्यों अपन पढ़ेंगे तो विषय फिर रिपीट होगा, है ना। इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं कि अभी मेरे ख्याल से आधी चुड़ियाँ तो कल भगी जाएंगी और परसों तो है ना, क्या होगा भगवान जाने। अब आगे पढ़ें, इसी प्रकार देखो पेज नंबर 407, इस पांचवें अर्थ में, अब चार तन पट गए ना, पांचवें अर्थ में स्पष्ट किया गया है कि आत्मा अकेले रस को, अकेले रूप को, अकेली गंध को, अकेले स्पर्श को नहीं जानता, वह तो सबको जानता है, सभी को जानना उसका स्वभाव है, पांचों इंद्रियों के विषयों को जानना उसका स्वभाव है। यही कारण है कि यहाँ कहा गया कि समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक संवेदन परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से वह केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता, केवल रूप वेदना परिणाम को पाकर रूप नहीं देखता, केवल गंध वेदना परिणाम को पाकर गंध नहीं सूंघता, केवल स्पर्श वेदना परिणाम को पाकर स्पर्श को नहीं छूता, अतः अरस है, अरूप है, अगंध है और स्पर्श है, सबको एक साथ समझती, समझे ना। आपको इसे याद रखने में समझने में बहुत सुविधा मिलेगी। देखो इसी प्रकार छठवें अर्थ में, देखो क्या अर्थ करने की पद्धति, तो देखो कि वो कहते हैं कि आप हमें पहचानते हैं, हाँ क्यों नहीं पहचानते, हम तो सबको पहचानते हैं, इसलिए आपको नहीं पहचानते, क्यों आपको अटपटा लगता है ना, हम सबको पहचानते इसलिए आपको नहीं पहचानते। माने जो एक कह करके आप कहना चाहते हो कि आप हमें पहचानते नहीं हो, कोई स्पेशल कंसिडरेशन हमसे करना चाहते हो, ये अंदर भावना ये है ये कहने में। और हमने ये जवाब दिया कि हम तो सबको पहचानते हैं, अकेले आपको नहीं, इसमें कहकर हम वो कोई कंसिडरेशन हमसे तुम नहीं मिलेगा, आशा मत रखो, ये जवाब दे रहे हैं। और सब प्रश्न करने वाला भी समझता है और जवाब देने वाला भी समझता है, कोई बहस नहीं करता है। ऐसा हुआ था कि धन कुमार जी बैठे ना, जब मैं इंदौर में था तो मुक्तागिरी में एक कार्यक्रम रखा था और बहुत बड़ी यात्रा संघ गया था, उसमें मैं और बाबू भाई भी साथ में गए थे। तो वहाँ पर जब चुनाव हो रहे थे, 67 का चुनाव था, तो भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत पीछे पड़े थे और वो ये चाहते थे कि गो हत्या के बारे में आपका इंटरव्यू लें हम लोगों का, वो जानते थे ये लोकप्रिय लोग हैं, इनका इंटरव्यू ले लें और फिर हम सबको समझाते हैं, जैनियों को बताते फिरेंगे कि भाई देखो ये गोहत्या के विरोधी हैं, हम तो गोहत्या के विरोधी हैं और कांग्रेस तो गोहत्यारी है, इसलिए हमें वोट दो, बस प्रयोजन इतना था। अब बाबू भाई तो प्योर कट्टर कांग्रेसी थे, है ना, मैं भी कांग्रेसी ही हूँ वैसे, समझे ना, तो कह के ये साहब मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो बाबू भाई ने हमें इंटरव्यू नहीं देना, हमें इंटरव्यू नहीं देना, बाबू भाई हमें इंटरव्यू नहीं देना। जब मैं जयपुर नहीं आया था अमृत भाई, तब की बात है,
आप भी हो गए साथ में गारंटी से। मुझे मैं तलेटी में भी आ गए एस बी के ले लुवा करके। मैंने कहा बाबू भाई आप घबराते क्यों हो, उत्तर तो मुझे देना है, आप देने तो मेरे इंटरव्यू होने दो, आप छोड़ दो, आप बैठना बगल में बस, मैं उत्तर तो मैं दूंगा, आप घबराते क्यों हो। रियाज साहब गोहत्या के बारे में आपके क्या विचार हैं प्रश्न। मैंने कहा जैन दर्शन तो गाय की हत्या नहीं होना चाहिए, बकरी की नहीं होना चाहिए, भेड़ की नहीं होना चाहिए, किसी की भी जीव मात्र की हत्या नहीं होना चाहिए, इस विचार का है। अकेली गाय की बात क्यों करते हो तुम हैं? अहिंसक धर्म है। और मैंने पूरा 15 मिनट भाषण अहिंसा धर्म पर दे दिया, उनको तो मजा नहीं आया, क्योंकि वो जैसा वो कहलवाना चाहते थे वो तो बात आई नहीं। इसलिए मैं अकेली गाय की हत्या का विरोधी नहीं हूं, सबकी हत्या का विरोधी हूं। ये जो मैंने कहा ये जैसा ही था ना, ये 5वें बोल जैसा ही क्यों हो सकता है कहीं अप्रत्यक्ष में मेरे माइंड में ये 5वां बोल काम कर रहा हो क्या? एक कैसे सूझी? अकेले आप गो हत्या की बात क्यों करते हैं? बैल की हत्या भी नहीं होनी चाहिए, समझे ना? जो हमारे राज्यपाल थे ना निर्मल चंद जी, हमारे रिलेटिव भी थे, अप्पा के नंदोई थे सगे, तो वो वकील थे बहुत बड़े, तो वहाँ एक केस चला था मध्य प्रदेश में, तो उनने जीता था वो केस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। तो क्या जीता था मालूम? कि 15 वर्ष की उम्र से कम बैलों को नहीं काटा जा सकता, जो खेती के अथवा बैलगाड़ी के जोतने के काम में आ रही हूँ। और खूब वो हल्ला किया भारतीय जनता पार्टी ने, जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए। मैंने कहा क्या जीते हो आप, बैलों को नहीं मार सकते, ये कहाँ हुआ? ये तो काम के नहीं रहे बैलों को मार सकते, जब तक ये जोतने के काम आए जोतो, और फिर जोतने के काम के नहीं तो मार दो, यदि को हत्या कर लो, जब तक दूध दे बे मत खाओ, जब तक दूध पियो बेटा आराम से क्यों, और जब बाद में क्या देना बंद कर दे तो मार के खा जाओ। ये कहाँ की जीत है? ये जीत नहीं है, ये भ्रम है जीत का। क्यों कैसा? तो गाय की हत्या नहीं होना चाहिए ना, यहां पक्की बात है। हमने अपनी माँ का दूध तो 4-6 महीने पिया होगा, भाग्य से हमें मिला था, अब हमारे नाती पोतों को मिलता है कि नहीं मिलता है मुझे ज्यादा पता नहीं है, वो तो बेचारे बोतल के दूध पे ही जिंदा रहते हैं। क्यों? तो हम सारी जिंदगी अपने माँ के कर्जे को नहीं चुका पाते हैं। क्यों? तो जिस गाय का, जिस भैंस का, जिस बकरी का दूध हम सारी जिंदगी जीते हैं पीते हैं, उस गो माता वो माँ कहते हैं जिसे, उस माँ को साथ भी हमारा ये न्याय होना चाहिए, कुछ हमारी ड्यूटी बनती है कि नहीं बनती है उसकी रक्षा करने के भाव? कौन कह सकता है कि जब तक दूध दे गए बकरी भैंस गाय तब तक तो उसको जिंदा रखो, और दूध देना बंद गए तो मार के काट के खाक में जाओ, क्या न्याय कर दे? परम सत्य बात भी थी और राजनीतिक उपयोग उसका नहीं हो सकता था क्या? और जैन दर्शन के विरुद्ध नहीं, जैन दर्शन का ये सिद्धांत है वास्तव में। तो ये 5वां बोल ये बताता है, और 6वां बोल उससे भी गजब का है। वो क्या कहता है कि भैया उसके जानने रूप से तो प्रणमिता है, देखो यहाँ पर प्रकाशक पढ़ने का निषेध नहीं किया, क्यों उत्तम देव जी? दृढ़ता से स्थापना की, लेकिन उन रूप नहीं प्रणमता, रस रूप नहीं प्रणमता, गंध रूप नहीं प्रणमता, रूप रूप नहीं प्रणमता, स्पर्श रूप नहीं प्रणमता, शब्द रूप नहीं प्रणमता, इसलिए वो अरस है, अरूप है, अगंध है, अस्पर्श है। तो इस तरह ये 5 बोल निबट गए, और अब आएगा 6-6 के 5-6 के 30 निबट गए। अब कोई जरा भी बुद्धि लगाई होगी तो उसे याद हो गए होंगे, हाँ समझ गए ना? पर यदि आपको भरोसा नहीं हो तो मैं अपने 10-5 विद्यार्थियों को खड़ा करके सुनवा दूंगा, आपको तो मैं नहीं खड़ा कर सकता है, क्योंकि आपको खड़ा करूंगा तो फिर मुझको यहाँ बैठे रहना मुश्किल पड़ जाएगा।
अब उसके बाद में जो बोल आने वाले हैं उनकी चर्चा अपन कल करेंगे, उन्हें सुनना हो तो कल तक आपको रुकना पड़ेगा।